ला दिया मैंने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारे सामने न्याय को हमने तो बहुत ललकार गद्दार हो, तख्त बदल दो ताज बदल दो, गद्दारों का राज बदल दो, गद्दारों को भगाना है और टोका बटन दबा। नहीं वो तो ठीक है, देखो योगी जी यदि हम जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र का वो सिस्टम नहीं लाएंगे तो हम जीते या कोई दूसरा जीते वो ही धंधे अपनाएगा जो आज के लोग कर रहे हैं। आपको इस सिस्टम में आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। जब चुनाव जीतने के लिए आपने कितना पैसा खर्च किया? अभी तक हिसाब भी ना लगा, कई लाख रुपए खर्च हो गया। फिर भी अंदाज से मैं निकल गया होंगे 8-10 लाख के करीब। तो 8-10 लाख तो कम ही खर्च किया आपने, 8-10 लाख तो कम ही कहलाया। लेकिन हमें कह रहे हैं कि सवाल पैसे का नहीं है, सवाल ये है कि हम पब्लिक को क्या डिलीवरी में देंगे, हमारा अल्टरनेट मॉडल क्या है, और क्या हम महापरिवर्तित भारत दे सकते हैं, क्या हम गुलामों के जो नियम कानून थुपे हैं उनकी आत्मा बदल सकते हैं, क्या हम जो है 21 लक्ष्यों सहित महापरिवर्तित भारत दे सकते हैं वो भी बिना खर्च के और सबकी सहभागिता से, लोगों को जोड़कर और आगे जोड़कर मात्र इतने से हम जो भी अभी जीत के आता है उसको भी बाध्य कर पाएंगे सही निर्णय लेने के लिए, और अगले चुनाव में हम जो है अपने प्रतिनिधियों को जिता भी पाएंगे। क्योंकि और कोई रास्ता मुझे दिखता नहीं है, आइसोलेटेड विजय से भी कुछ नहीं होगा, हमें लोगों को जोड़ने वाला जो क्रम है उसमें लग जाना होगा और उसी में मेहनत करना होगी। तो जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसके सिर पर ताज भी आ जाएगा, यदि वो 543 में आ जाएगा तो सांसद बन जाएगा, और उसी तरीके से जितनी संख्या विधायकों की है यदि राज्य का मामला है तो विधायक बन जाएगा, और यदि केंद्र का मामला है तो 82 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे वो मंत्री भी बनेंगे, और 21 टास्क फोर्स के साथ जो टेक्नोलॉजी और जो मॉडल्स बने हुए हैं उसके तहत हम महापरिवर्तित भारत दे पाएंगे। अब ये बात अपन को जन जन तक पहुंचाना है, अन्यथा जो है ना कोई भी खड़ा हो वो परिवर्तन क्या ला पाएगा। ये हम मान लेते हैं कि आप चांदनी चौक से जीत गए, क्या बदलाव ला पाएंगे? आप सोच भी नहीं सकते वो बदलाव ले आऊंगा। नहीं वो जनता कल्पना में नहीं कर सकते, वो कर डाल दूंगा। देखो इंडिविजुअल कर ही नहीं सकता है, जब तक हम जो है ना अपने पीछे नंबर की स्ट्रेंथ ना लाए, जब तक हम पार्लियामेंट में पहुंचकर न्याय और कानून के खुद ना बना पाए, जब तक हम उन मॉडल्स को और उन गुलामों के जो नियम कानून जो 75 वर्षों से हमारे ऊपर थोपे हुए हैं उनके बदलने की शक्ति जब तक हमारे पास नहीं होगी, तब तक हम वादे कुछ भी करते रहें जमीनी परिवर्तन संभव नहीं होगा। वहां से एक बार खाता तो खोल जाए, खाता खोलना का छोटे बात बांध रहे, कम से अगर एक सीट भी खुल जाएगी तो हम सामान्य से असामान्य हो जाएंगे। हमारी बात उन बातों को लोग बहुत सुनेंगे, मैं तो देंगे हाँ, इसके पास है कुछ, ये अपने बलबूते पर जीत कर वहाँ तक पहुँचे हैं तो लोग बहुत मानने लग जाएंगे, और उसके बाद अगली सरकार की नीम रखेंगे जाएंगे। तो आप कहते हो पूरे भारत में एक भी बार कैंडिडेट खड़ा करके पूरे भारत पे सिस्टम पे यदि एक ही बार कब्जा कर लो तो ये नहीं हो पाएगा। नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं, कोई कब्जा नहीं कर रहा है, 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत ला रहे हैं और ताज भी उसके सिर पर रख रहे हैं जो ज्यादा मेहनत करके लोगों को जोड़ेगा, और उसके लिए टेक्नोलॉजी से लेके मॉडल्स बने हुए हैं जो नियम कानून में कन्वर्ट करेंगे, और वो इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं रहेगा। देखो ये मॉडल बहुत पावरफुल है और हमें लोगों को जोड़ना ही होगा, और कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। क्या इसमें किसी भी कार्य के लिए जोड़ने के लिए ठीक ठाक बुद्धिदार आदमी नहीं जुड़ता?
ठीक है, तो भ्रमित बाद है। यदि उसको लाभ मिलेगा, यदि उसको जो है महापरिवर्तित भारत मिलेगा, और यदि उसका कुछ जा नहीं रहा है, और वो आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, हम जुड़कर उन्हें भी प्रभावित कर पाएंगे, तो बदलाव संभव होगा। क्योंकि हम यदि लोग जुड़ेंगे तो सत्ता में बैठे लोगों को हम दबाव बना पाएंगे और उनको सही निर्णय लेने के लिए बाध्य कर पाएंगे। और कैसे जब नोट हो गया आपने? जो मॉडल है कि क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप के माध्यम से जुड़िए और उसमें अपना फोटो डालिए, अपने दो लाइन लिखिए, और उसमें जहां रहते हैं उसका एरिया पिन कोड डाल के जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे, आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। वो ऐप आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है ना बनाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। और फिर यदि हम अपने प्रोफाइल में जाएं तो उसी मोबाइल में सबसे नीचे दाहिनी तरफ प्रोफाइल है, उसमें क्लिक करके जब हम जाएंगे तो हमारा आइडेंटिटी कार्ड और उसके नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है। तो इतनी मेहनत से जैसे आप जुड़े हुए हैं, आपसे हजारों लोग जुड़े होंगे, उन सभी को जो है व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, फिर 10-10 लोगों की सूची बनाना है, और उन लोगों को जिनसे आप जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके घर के लोग हैं, जो आपके मित्र हैं, पड़ोसी हैं, जो बरसों से आपके साथ किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, उनको फोन लगाना है, उनसे कहना है कि हमने व्हाट्सएप पे आपको लिंक भेजी है, इसको डाउनलोड करके ऐप से जुड़ जाइए, और इसी तरीके से व्हाट्सएप पे सभी को शेयर करिए और 10-10 की सूची बनाइए। यदि ये प्रक्रिया मात्र हम 9 दिनों तक कर देंगे तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे, और 100 करोड़ होने में 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, सिर्फ जुड़ जाना है, केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है, केवल 9 लाख लोगों को ही 30 को जोड़ना है, केवल 90 हजार को 40, 9 हजार को जो है 50, 900 को 60, और 90 को 70, और 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। तो क्या हम परिवर्तित भारत के लिए, जिसमें हमारे 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, कि यह काम यदि हम शिद्दत के साथ करेंगे तो महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा? और इसके बाद हमें लड़ने के लिए जैसे 10-12 लाख रुपए आपने खर्च किए, वो भी खर्च नहीं करना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने शिद्दत से लोगों को जोड़ा है और आप 543 में आ गए, तो अपने आप आपको सांसद का टिकट मिल जाएगा। 100 करोड़ लोग, हाँ, कितने दिन में कह रहे हो, कितने दिन में जाएंगे 100 करोड़? यदि हम 10-10 लोगों को जोड़ने की चैन को बना सके तो मात्र 9 दिन चाहिए। यदि हम एक एक व्यक्ति को भी जोड़ेंगे तो 90 दिन में जुड़ जाएगा। यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो जहां खड़े हैं वहीं पे खड़े रहेंगे। तो यदि हम इतना छोटा सा उपाय करके, अभी आपने इतनी मेहनत की है, इसी मेहनत को यदि आप आगे बढ़ाएं और लोगों को जोड़ें और 543 में आ जाएंगे, तो अपने आप बिना पैसे खर्च किए चंद्रगुप्त बन के आप सांसद भी बन जाएंगे, और अपने बच्चों को अच्छा भारत दे पाएंगे। तो ये काम हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, करना चाहिए। मुझे क्या जिम्मेदारी देना चाहते हैं? मैं आपको ये जिम्मेवारी देना चाहता हूं कि आप संभालिए दिल्ली को, और अपने से जुड़े लोगों को जोड़िए, संगोष्ठियां करिए। यह क्रम यदि हम करेंगे तो मात्र 9 दिन में चमत्कार संभव है। यदि 9 दिन नहीं सही तो 90 दिन में हो जाएगा, लेकिन तब संभव होगा जब हम अपने से जुड़े 10 लोगों को जोड़ेंगे, और आगे जिनको जोड़ेंगे उनको भी लगातार प्रेरित करके 10-10 लोगों को जोड़ने की चैन को नहीं खत्म होने देंगे। हम में से जो व्यक्ति, ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें सांसद का टिकट खुद चल के मिल जाएगा। और वो लोग जो है 100 करोड़ लोग पीछे खड़े होकर उनको जिताएंगे भी, और एक ऐसा फोर्स बन जाएगा कि अभी जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनको भी हम जो है गलत करने से रोक पाएंगे और सही करने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी कहा जाए, यदि हम 9 दिन के प्रयास से 100 करोड़ हो जाएंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात मानने के लिए बेबस होंगे, और 21 टास्क फोर्स बनाने के लिए बेबस होंगे। हमारा देश को अंग्रेजों के द्वारा जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए नियम कानून बनाए थे, उसकी आत्मा बदल जाएगी।
हमें पांच सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा, जहां बिना थाने जाए हमारी एफआईआर दर्ज होगी, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होगा और 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए हम जो है न्याय पा पाएंगे और इस न्याय की व्यवस्था में सबको धन की वर्षा की जाएगी और जितना धन बांट देंगे उसका 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। 2 मॉडल के तहत भारत के सरकार के पास 20 गुना पैसा आ जाएगा। हम अपने देशवासियों को इनकम टैक्स से मुक्ति दिला पाएंगे 5 साल के अंदर। हम जो संस्था रजिस्टर्ड है ये अपने क्राइम परिवार का? हाँ रजिस्टर्ड है। अच्छा जी, आपने करवा रखे है? जी ठीक है, मुझे दिल्ली की जिम्मेदारी लिखित रूप से दो, मौखिक रूप से बोल कर दो, मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ, मैं फिर जोड़ दूँ। और इसमें जोड़ने वाली कड़ी में हमारे वर्मा जी हैं, ये कहाँ वर्मा जी आज एक ये कई कंपनी और उनसे जुड़े हैं, एक बार इनको और समझा दो, बहुत लोग में शामिल हैं। हेलो हेलो, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विनोद वर्मा है जी, और आर्य जी के साथ लगभग 10-15 सालों से तो जुड़े हुए हैं। ओके, और मेरा एडवर्टाइजिंग का वर्क है अपना। ओके, अभी इस प्रकार का भी काम होता है आर्य जी का, हम लगभग रात दिन साथ ही रहते हैं। अच्छा, आप एक काम करिए, आप अपने फोन से जरा मुझे रिंग करिए इसी नंबर को, राइट, और फिर हम आपको, और रिंग मुझे आप आधा घंटे के बाद करिए, बल्कि इस नंबर से अपना नंबर मेरे पास भेज दीजिए तो मैं उसे सेव कर लूंगा वर्मा जी, फिर मैं आपको विस्तार से पूरी बात समझाऊंगा। ठीक है, आप तो उससे हम जो है मात्र 9 दिन के प्रयासों से देश को बदल सकते हैं और हम 100 करोड़ हो सकते हैं, और गुलामों के जो नियम कानून 75 साल के बाद भी आपके ऊपर थोपे हुए हैं उन्हें बदला जा सकेगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हम एक टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त व्यवस्था स्थापित कर पाएंगे और सत्ता में कोई भी बैठा हो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं, और 100 करोड़ होकर सत्ता में जो भी बैठा है उसे हम प्रभावित भी कर पाएंगे और आगे चल के स्वयं पार्लियामेंट में और विधानसभा में बैठकर नियम कानून और व्यवस्था को बदल पाएंगे। तो हमें इनकी तरफ नहीं देखना होगा और ये हमारी बात मानने के लिए बेबस होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वर्मा जी, आप इस नंबर से पहले तो अपना नंबर मुझे भेज दीजिए और फिर हम आधा घंटे बाद आपसे फोन लगा के बात करते हैं, ठीक है? ठीक, चलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।